और भावना ये लोगों के बीच में बताना कि जो भाजपा सरकार है उसने किस तरीके से देश के लोगों से आंकड़े छुपाए और झूठ बोला, क्योंकि ये सरकार सिर्फ झूठ बोलने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं कर रही है। बेरोजगारी में नंबर वन कौन है? हमारा भारत सरकार। क्यों? 2 करोड़ लोगों को नौकरी बोले हैं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। नंबर वन महंगाई में कौन है? भारत सरकार। किस तरीके से महंगाई, वही सिलेंडर 450 से 1000 हो गया, डीजल 100 से ऊपर, पेट्रोल उसी तरह। कोरोना में WHO ने ये बताया कि सबसे नंबर वन पे कौन है? भारत सरकार। 5 लाख के आंकड़े को निकल के 47 लाख का आंकड़ा आया। तो इसका मतलब आपने जनता से झूठ बोला, आपने जनता से छुपाया कि किस तरीके से कोरोना के दौरान आपकी कोई भी प्रिपरेशन नहीं थी। आपकी ना अस्पतालों के लेके प्रिपरेशन थी, ना दवाइयों को लेके, ना ऑक्सीजन को लेके। इसी कारण है कि आपने वो आंकड़े छुपाए, ये बताने के लिए कि हम विफल रहे। ये बता रहे हैं कि हम सफल रहे, पर ये पता चला कि इनसे ज्यादा विफल कोई नहीं रहा। और जिस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है इस देश के अंदर, आप एक भी आम आदमी, आपने रिसेंट देखा होगा एक महिला ने इंटरव्यू में कहा कि मैं रोटी गैस पे एक ही बार बना रही हूँ। क्यों? क्योंकि महंगाई बढ़ गई है तो वो अपना गैस बचा रही। तो इस तरीके की तो रसोई में हालत हो चुकी है हमारी महिलाओं की। अब रहे 6 महीने पहले आप ये सवाल भाजपा से पूछिए कि प्रभु को हिंदू मुसलमानों को क्यों कर रहे हैं, तो बहुत छोटी सी बात है। तो हम सवाल पूछ रहे हैं, ये सवाल आप उनसे पूछिएगा कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं कि प्रभोग कर करके एक राजस्थानी, कितना सुंदर राज्य है, उसके अंदर ये भावना लेकर आए। अगर यहाँ के लोग जागरूक ना हो तो वरना क्या हो जाए। यहाँ के लोगों को सलाम करता हूँ जिनमें ये जागरूकता है। मैं जोधपुर में 7 दिन वहाँ रुका, हम लोगों का एक प्रोग्राम हो रहा था, हम लोग शांति यात्रा निकालना चाह रहे थे, पर हमने नियमों को फॉलो किया। 7 तारीख की वो तय थी जिसमें गहलोत साहब भी आ गए थे, लेकिन एकदम ये दंगा होने के